दोस्तों, क्या आप लोग भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम के लिए, ऐसी रील्स बनाना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि ऐसी रील्स इंस्टाग्राम के लिए आप लोग कैसे बना सकते हो? तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। आप लोगों को बस मैं 4 स्टेप बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन से ही ऐसी वीडियो बना सकते हो और आप लोगों का जो चैनल है वो बहुत जल्दी वायरल भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बस 4 स्टेप मैं बताता हूँ। तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र को आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंपली सर्च करना है लव क्वर्ड्स। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की, या तो आप लव शायरी भी आप लोग देख सकते हो, आप लोग है आप लोग यहाँ से सर्च कर लें। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ शॉर्ट्स लव क्वेट्स आ गए हैं। तो आप लोगों को कोई भी यहां से एक सिंपली कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। आप लोगों को भी कोई भी एक आप लोगों को कॉपी कर लेनी है। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ही होगा। आप लोगों को यहां से सर्च कर लेना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को न्यू पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है यहाँ पे ट्वीट जैन। तो ये मैंने सिंपली सर्च कर रखा है, तो आप लोगों को भी यही सर्च कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को ये सर्च लेना है। सर्च करने के बाद आप लोग ट्वीट जनरेटर पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये जो बैकग्राउंड कलर आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लाइट डिम डार्क आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप डार्क को ही सिलेक्ट करें। और आप लोगों को अब इस पर क्या करना है, इसके बाद आप लोग यहाँ से सिस्टम इमोजी भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग सिस्टम फ्रंट और इंटर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग ऐसे ही रहने दें इसे। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग सिंपली अपना नाम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, आप लोगों को भी यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है। उसके नीचे ही आप लोगों को यहाँ पर यूज़र नेम दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को यूज़र नेम भी अपना डाल लेना है। तो जो भी आप लोगों का इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है वो आप लोगों को यहाँ से डाल लेना है। तो मैं यहाँ से अपना इंस्टाग्राम यूज़र नेम डाल लेता हूँ, ब्रजेश। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ से यूज़र नेम डाल लें। तो मैंने यूज़र नेम डाल दिया। अब इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है योर ट्वीट हेयर, आप लोगों को यहाँ पे इसको कट कर देना है और आप लोगों को यहाँ से उस जो आप लोगों ने शायरी आप लोगों ने कॉपी की थी उसको आप लोगों को यहाँ पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप लोग सिंपली देखेंगे यहाँ से आप लोग इस पे लाइक्स भी बढ़ा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे लाइक भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप लोग जितनी मर्जी यहाँ पे लाइक बढ़ा दें। ठीक है दोस्तों, आप लोग रिट्वीट या आप लोग ट्वीट ये इसको भी कर सकते हैं चेंज, 0 की जगह आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ से जनरेट इमेज आप लोगों को दिख रही है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, तो आप लोग इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया है, और आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी डेट भी बदल सकते हैं। मैं इसको अभी अपनी डेट भी बदल लेता हूं, जो कि मैंने नहीं बदली थी, तो मैं इसको कर देता हूँ 2023।
फरवरी आप लोग भी अपनी डेट बदल सकते हैं और आप लोग इसमें अपना टाइम भी बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप लोग कोई भी टाइम लगा सकते हैं, एएम पीएम जो भी आपको सेट करना है आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से आप लोग इसमें अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। आप लोग चूज कर लें इमेज, तो मैं आप लोगों को कहूँगा आप लोग इमेज अपनी इसमें एक लगा लें, जिससे कि आप लोगों की जो प्रोफाइल रहेगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। तो मैं यहाँ से अपनी एक इमेज चूज कर लेता हूँ, तो मैं ये इमेज अपनी चूज कर लेता हूँ और डन पे कर देता हूँ। आप लोगों को भी कर देना है, यहाँ से डन कर देना है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे मेरी इमेज भी लग गई है, यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ रहा है। लेकिन अभी मुझे इसमें एक दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाऊं, आप लोग यहाँ पे टिक मार भी लगा सकते हो, वो भी आप लोग वेरीफाइड। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगाया तो ये वेरीफाइड टिक मार्क भी मेरे सामने आ गया है लग के। अब आप लोगों को जनरेट इमेज पे दोबारा क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली जाना है अपने इमेज सर्च मैन में, यहाँ से जाके आप लोगों को एक इमेज लेनी है, लव इमेज। तो आप लोगों को रोमांटिक इमेज ले लेनी है, क्योंकि आप लोग जिस सिचुएशन पर बना रहे हैं उस सिचुएशन के हिसाब से आप लोग इमेज सिलेक्ट कर लें। आप लोग अलोन पे बना रहे हैं तो आप लोग अलोन की शायरी आप लोगों ने अगर सिलेक्ट की है तो आप लोग यहाँ पे डालेंगे अलोन बॉय, तो बहुत सारे पोस्टर आप लोगों को दिख जाएंगी इमेज। तो यहाँ पे मैं जैसे कि किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इस फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपली डाउनलोड होने के बाद अब आप लोगों को फोर्थ स्टेप क्या करना है, ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को फोर्थ स्टेप कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को VN एप्लीकेशन ओपन करनी है। तो आप लोगों को VN एप्लीकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग काइनमास्टर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी बनाया, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और आप लोगों को अपनी वो फोटो सिलेक्ट कर लेनी है जो अभी आप लोगों ने डाउनलोड की है। तो यहाँ पे वो फोटो आप लोग देख सकते हो मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब आप लोगों को टैब टू ऐड स्टिकर, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ से वीडियो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को वो फोटो लेनी है जो आप लोगों ने अभी क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड की है। तो सिंपली हमारे सामने ये आ चुकी है, हम इसे थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, थोड़ी सी छोटी करके हम इसको यहाँ लगाएंगे, या तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कहीं पे भी लगा सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको इसकी आप लोगों को ब्लेंडिंग कर देनी है, जो कि आप लोगों को नीचे यहाँ से दिखा होगा ब्लेंडिंग। इस पे आप लोगों को क्लिक करके आप लोगों को स्क्रीन पे इसको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये हो चुका है ब्लेंडिंग। अभी आप लोगों की एडिटिंग ख़त्म नहीं हुई है, रुको, आप लोगों को एक और चीज़ करनी है। अब आप लोगों को यहाँ से फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, फ़िल्टर पे आप लोगों को आ जाना है। तो मैं यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक कर लूँगा। फ़िल्टर पे क्लिक के बाद आप लोगों को एडजस्ट पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आप लोग को आप लोगों को ज़ीरो कर देना और आप लोगों को ओके कर देना है यहाँ से। अब दोस्तों आप लोग
इस फोटो को ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी, आप लोग अपनी मर्जी से इसे लगा सकते हैं। और ये वीडियो हो गई है रेडी। आप लोगों को मैं अब दिखाता हूँ आप लोगों की वीडियो कैसी है। तो मैं इसको एक्सप्लोर करके मेमोरी कार्ड में ले लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग भी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों ये हमारी वीडियो है जो अभी हमने बनाई है, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को ऐसी ही वीडियो आप लोग अपने इंस्टाग्राम के लिए आप लोग ऐसी ही वीडियो बना सकते हो। और आप लोग ऐसी वीडियो बना बना के आप लोग भी बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में भी इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।